हेलो फ्रेंड, नमस्ते। श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एक्टिव पैसिव में प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग करना सिखाया था, उसी के अंतर्गत कल एक वाक्य उसमें बकाया रह गया था। उस वाक्य के बारे में आज हम पुनः अध्ययन करेंगे। उस वाक्य था, वो शब्द था हुम वाला वाक्य। इसका सूत्र हो इसका सूत्र होगा आपका होम प्लस सारणी की सहायक क्रिया प्लस होम प्लस वाक्य की सहायक क्रिया। सहायक क्रिया प्लस सारणी की सहायक क्रिया क्रिया प्लस मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस कर्ता वकार प्लस इन वाक्यों में कर्म नहीं होता है। इसका नोट हो जाएगा आपका। इन वाक्यों में कर्म नहीं होता है, अतः कर्म को कर्ता नहीं बनाया जाता है। नहीं बनाया जाता है इसके अलावा दोस्तों कल कल आपको बताया गया था, यदि वाक्य में सिर्फ जो वाक्य होता है वह अधिक बड़ा है तो उसे हम भाई के बाद लगा सकते हैं, और यदि वाक्य छोटा है प्रपोजिशन जुड़ा हुआ है तो ऐसे वाक्य को हम भाई से पहले लगा सकते हैं। वाक्य इसमें देखिए आप होम डिड यू सजेस्टेड यू डबल जी ई एस टी सजेस्ट पहचान के लिए होम से शुरू होने वाला वाक्य। ओके, उस वाक्य को बनाने के लिए आप फॉर्मूले पर आएंगे, वहां पर आपको लिखा आएगा हूँ, वाक्य की सहायक क्रिया देखेंगे, नहीं है नहीं है तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आगे सारणी की सहायक क्रिया, सारणी की सहायक क्रिया जिस वाक्य में सहायक क्रिया डेड दी गई है इसे हम नहीं लगाते हैं। ये पहले आपको बताया गया है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा डूडेड सहायक क्रिया को नहीं लगाते हैं, उनके स्थान पर सारणी की सहायक क्रिया लगाई जाती है। जब वाक्य में डेड आया है तो वाज्य वर्ब वाद्यवर्क
वाक्य में कर्म नहीं है इसलिए सहायक क्रिया जैसे तो स्थान से जो भी चाहे उपयुक्त लगे वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद वाक्य में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म उसके बाद भाई उसके बाद कर्ता को कर्म बना दिया जाएगा यू का यू वाक्य बनकर तैयार। एक वाक्य और आपके लिए होम रेडियो दिया वही सूत्र के तरीके से बनाएंगे आप हूँ प्लस वाक्य की सहायक क्रिया वही सहायक क्रिया रह जा रही है इसलिए वाक्य में सहायक क्रिया आवाज। उसके बाद वाक्य में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म सी का सीन उसके बाद वाक्य में चाहे तो आप देयर जैसा शब्द है छोटा शब्द है छोटा आया है इसे हम पहले भी लगा सकते हैं देयर बाई कर्ता को कर्म बना दिया ये कर्म को कर्ता बना दिया ये इस प्रकार से आपका वाक्य तैयार हो गया हु वाज ही देयर बाई यू। तो ये सारे वाक्य आप चार प्रकार के वाक्य बनाना सीख चुके हैं। पहला नंबर सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य, नंबर दो डब्ल्यू एच से शुरू होने वाला वाक्य, नंबर तीन डब्ल्यू एच वाले वाक्यों में हु से बनने वाला वाक्य, और नंबर चौथा वाक्य था हुम से बनाए जाने वाले वाक्य। इसी सीरीज में अब आगे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे जो आपको मिलेगा वह है गोइंग टू वाले वाक्य। गोइंग टू वाले वाक्य पहचान वाक्य में गोइंग टू शब्द लगा हुआ आता है इसका फॉर्मूला कर्म को करता प्लस वाक्य की सहायक क्रिया प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस भाई प्लस कर्ता को कर्म प्लस सी वाक्य आपके सामने वाक्य है द गार्डनर इज गोइंग टू
टू वाटर द प्लांट। ओके, वाक्य को पहचाना। वाक्य में गोइंग टू शब्द लगा हुआ आ रहा है। फॉर्मूला देखा, कर्म को कर्ता बनाएंगे, मुख्य क्रिया कर्म, द प्लांट। ध्यान रखिए, पीछे आप अभी अध्ययन करके आए हैं, जब वाक्य में जो सहायक क्रिया है वह कर्ता के आधार से लगाई जाएगी। कर्ता आपका बहुवचन, सहायक क्रिया आप। गोइंग टू मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म वाटर बाय द गार्डनर। वाक्य एक वाक्य और इसको लेते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू ए रिवार्ड। यहाँ भैया बहनों ये देखना होगा, वाक्य को पहचान करने के लिए वाक्य गोइंग टू वाला ही है, लेकिन मैंने विगत वीडियो में बताया था कि यदि वाक्य में दो कर्म है तो उन्हें हम दो प्रकार से बना सकते हैं। उपयुक्त रहता है कि वाक्य को यदि वस्तुवाचक क्रम से बनाया जाए, तो इस वाक्य को हम देखते हैं। इस वाक्य में दो कर्म यू और ए रिवार्ड। ए रिवार्ड वस्तुवाचक कर्म है, वस्तुवाचक कर्म को हमने कर्ता बनाया ए रिवार्ड। वाक्य में सहायक क्रिया एम, आई के साथ एम, ए रिवार्ड के साथ ए। गोइंग टू टू बी गिवन टू यू अब वाक्य में बाई बाई जब आएगा तो बाई के बाद कर्ता आपका है आई। आई को बहुवचन श्रेणी में माना जाता है, इसलिए हम इसे बाई के बाद लगाएं तब भी उपयुक्त है, ना लगाएं तब भी उपयुक्त है। अधिकांश से ये माना जाता है कि वाक्य में जो कर्म बनेगा, जो मैंने बताया था बहुवचन है तो उपयुक्त रहता है, लगाएं नहीं लगाएं। लेकिन यहाँ पर आई केवल एक वचन माना गया है, और एक वचन मानने पर इसको बाई के बाद आई का कर्म बनता है, नहीं बाई नहीं। तो दोस्तों ये जो था आपके पास, ये गोइंग टू वाला वाक्य है। गोइंग टू वाले वाक्य को केवल एक ही पैटर्न से बनाया जाता है। केवल यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि वाक्य में दो कर्म दिए हुए हैं तो हम उन्हें वस्तुवाचक कर्म से बनाने का प्रयास करें। यदि वाक्य में ऐसा दिया हुआ है कि उसे व्यक्तिवाचक कर्म से बनाना है, तब उस वाक्य को व्यक्तिवाचक कर्म से बनाने का प्रयास करें। आगे इस सीरीज में हम और एक प्रकार का वाक्य लेते हैं, और ये वाक्य हैं टू इन्फिनिटिव वाले वाक्य। पहचान
मुख्य क्रिया से पहले पहले टू लगा हुआ होता है। ये मूलतः है, चार प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर एक मुख्य क्रिया से पहले टू शब्द लगा होने पर। नंबर दो देर से शुरू होने वाले वाक्य। नंबर तीन दो को टू से जोड़कर। नंबर तीन नंबर चार दो वाक्य को बिना टू से जोड़कर। चलिए पहले वाक्य का वाक्यों को पहले प्रकार के वाक्यों को बनाने का प्रयास करते हैं। और नंबर एक था ये मुख्य क्रिया से पहले टू शब्द लगा होने पर। इसका फॉर्मूला लाएंगे आप कर्म को करता प्लस वाक्य की सहायक क्रिया प्लस टू प्लस जी प्लस मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म। प्लस वही प्लस करता वो कर प्लस से वाक्य देखेंगे आप। यू हैव टू फिनिश दिस वर्क। एंड आवर वाक्य में करता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले टू लगा हुआ है तो इन्फेटेबल वाक्य है। कर्म शेष समय को जोड़ा हुआ है। फॉर्मूले के आधार से आएंगे आप कर्म को कर्ता बनाएंगे। दिस पर दिस वर्क यू के साथ है दिस वर्क के साथ केवल है तो दी मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म फिनिश्ड समय को छोटा इस शब्द छोटे हैं इसलिए पहले लगाने का प्रयास कीजिएगा। एन आवर बायो
एक और वाक्य लीजिएगा, द टीचर वाज, द टीचर वाज टू इंस्ट्रक्टेड कर्म को करता ही वाक्य में सहायक क्रिया एक वचन है, एक वचन साथ एक वचन जी इंस्ट्रक्टर बाई द टीचर। अगले फिर नए प्रकार के वाक्य हैं ये आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगे।